हाँ बचीड़ मारो बचीड़ मारो ये मतलब वह कि थे लड़ाइयों करो एक दूसरे ने भिड़ाना बचीड़ मारना मन लागे आई हुए इनको इन मतलब वही है कि बचीड़ मारो बचीड़ बजाओ थे बचीड़ बजाओ मतलब दे गुंडागर्दी कर करो किसी का इसका कोई किसी का कोई अपनी रोजी रोटी खा रहा है उसका हटाओ उसका दूसरे का लगाओ अपने बंदे का लगाओ

बाडमेर का नाम रोशन कर बॉम्बे में अच्छे अच्छे फिल्म एक्टरों के साथ फिल्म एक्टिंग के साथ ही बाडमेर की पहली फिल्म इन्हीं ने बनाई थी जिसका नाम है सोहनी कुमारी सोहनी कुमारी से आज हम राजनीति को लेकर कुछ बातचीत करेंगे चर्चाएं करेंगे इनका कहना है कि राजस्थान के कई हिस्सों में मैं पहुँची थी हाल ही दिनों में राजस्थान के पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी उसको लेकर भी इनको चिंता है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम हुआ था हालांकि अभी ये जो प्रचार कर रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं बीजेपी के क्या रुझान आ रहे हैं देश में कितनी सीटें आने वाली हैं और राजस्थान में कितनी सीटें आने वाली है सोहनी कुमारी से आज हम चर्चाएं करेंगे मैडम नमस्ते स्वागत है आपका हमारे राजस्थान राइज चैनल पर नमस्कार क्या देख रहे हैं राजस्थान में इस बार कितनी सीटें आने वाली है बीजेपी की पच्चीस की पच्चीस आने वाली है इसमें कोई डाउट ही नहीं हाँ पच्चीस की पच्चीस कैसे आने वाली है पच्चीस की पच्चीस उनका क्यों विरोध किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर देखो केंद्र सरकार जब होती है पीछे से तो जो अपने जितने भी सांसद होते हैं जो मंत्री होते हैं वहां से पैसा फंड यहाँ भेजते हैं जब जैसे पानी की समस्या आ रही पानी नहीं पहुंचा तो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी ना उनसे सवाल करिए ना आप उनसे क्यों फाइट कर रहे हैं आप फाइट का कोई लॉजिक ही नहीं पैदा होता मुझे सवाल तो आपसे करना लाजमी होता है क्योंकि आप भी जा रहे प्रचार प्रसार के लिए क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोग क्या बोल रहे हैं आपको गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी डायरी काम गिनाने के लिए अपनी डायरी क्यों निकालनी पड़ी अभी वो वहाँ के क्षेत्र के हैं मुझे बाड़मेर का ज्यादा नॉलेज है तो हम बाड़मेर के बारे में बात करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया अगर निकालनी पड़ती अगर लोग सवाल पूछते हैं उन्होंने डायरी निकाली अच्छी बात है अच्छी बात है वो जवाब दे रहे देना चाहिए हर नेता को देना चाहिए अपने काम गिनाने चाहिए कितना क्या किया आपने बाड़मेर में कितने दिन हो गए प्रचार प्रसार के लिए आप हो गए मेरे को दस दिन हो गए कौन कौन से क्षेत्र में लगभग लगभग आप जाके आये हो मैं हाँ मैं सानचोर से लेकर समंदी से लेकर उधर धोरीमुना से लेकर और इधर पाकिस्तान के बॉर्डर तक हर जगह जाके आई आप भी गुड़ा माली क्षेत्र से हैं आपको यहाँ की समस्या भले बात ही पता होगी भले आप अभी बॉम्बे में रह रहे हैं लेकिन यहाँ की समस्या आपका परिवार जो है वो यहाँ रह रहा है वो तो आपको समस्या पता होगी क्या मुख्यतः समस्या क्या सामने आ रही है देखो समस्याएं बहुत थी 2014 से बहुत सारी समस्याएं थी जहां लाइट भी नहीं थी जहां सड़कें तो देखने के लिए मतलब लाइट की रोशनी की उम्मीद कर रहे थे वो भी नहीं थी चौदह के बाद ये चेंजेस आया कि लाइट और सड़कें बहुत अच्छी हो गई है अब एक समस्या मुझे नजर आई जब मैं बॉर्डर के इलाकों में गई तो पानी की समस्या आ रही है और ये बड़ी प्रॉब्लम है पानी, पानी की पानी के मतलब पानी के लिए लोग तरस रहे तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है और इसके लिए लगातार मोदी जी 2014 से लेकर पानी के बारे में चिंता कर रहे हैं ये यहाँ ही नहीं पूरे भारत में पानी की कमी आने वाली है तो क्योंकि पानी हमें पानी ऐसा है कि ये तो एक तो डेजर्ट इलाका है यहाँ तो आनी यानी पहले सालों से आ रही है बहुत लंबी लंबी पुरानी समस्या है तो पानी को लेकर है मुझे लगता है कि एक ही काम रह गया है कि मोदी जी को अभी मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं तो अब केंद्र में सरकार मोदी जी की आनी आनी वापस और फिर से बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ पर आई ये सरकार है ऑलरेडी तो पानी का लगातार मुझे लगता है अच्छे से आगे काम होगा ये जैसा मोदी जी का मुझे विजन दिखता है मोदी जी डेफिनेटली यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे और मैं लोगों से विश्वास दिला के आई हूँ जो मोदी जी गारंटी देते हैं उन्होंने हमेशा काम किया और उन्हीं से प्रेरित होकर आज मैं लोगों तक मोदी जी के लिए वोट मांगने आई जिस तरह से आप सवालों के जवाब दे रहे हैं लग रहा है राजनीति में आप काफी एक्टिव हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में तो यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी किसका मुकाबला किसका क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो होट सीट है लोकसभा की वो बाड़मेर की है कैसे देख रहे हो हो लोकसभा होट सीट को को मुकाबले आप कैसे देख रहे सिंह भाटी के बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैं इसके बारे में बोलना ही चाहती थी अच्छी बात है वो जब मैं रहती मुंबई में हूँ लेकिन मैं यहाँ का सब पता रखती हूँ क्योंकि मैं रहती, रहती सोशल मीडिया के जरूर हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से वो मैं न्यूज बहुत देखती हूँ तो मुझे खुशी हुई थी कि जब वो एमएलए के प्रत्याशी खड़ा हुआ था और लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया शिव की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया और वो जीता खुशी की बात है हम यूथ होने के नाते हमें भी लगता है कि एक यूथ बंदा आगे आ रहा तो मैं भी सपोर्टर हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब वो जब वो जीता था तो मुझे लगा ये जनता के लिए काम करेगा यहाँ पे ना ये ऐसे जोश के साथ आया है जिस तरीके से काम बातें बोल रहा है डायलॉग्स बोल रहा है चीज़ें कर रहा है उनके अभी सारे डायलॉग्स फेल हो गए हैं सारे डायलॉग्स हवाबाजी वाले हैं जो कॉलेज में लड़के नहीं देते हैं जो उटीक जो घूम के ही देते हैं मैं सच कहूँ तो मेरे को ऐसे ही लगा क्योंकि आप एक कैसे एक गीता को हाथ में लेके जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ गर, है उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाते हो कि मैं आपकी जनता के लिए काम करूंगा यहाँ और आपके बीच में रहूंगा लेकिन आप तीन महीने के साथ पासा पलट देते हो आपको तो केंद्र में जाना है दिल्ली में जाना है दिल्ली में जाके आप यहाँ पे कैसे काम करोगे यहाँ की जनता के लिए कैसे काम करोगे आपको जनता के साथ सिंपत्ति नहीं थी आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया है आप एक वही इंसान हो जो सत्ता का लालच आता है कि भाई एक बार मैं एमएलए एल तो मैं एमपी पी बनूंगा तो वो उस होड़ में आप भी आगे आए हो तो मुझे लगता है यहाँ की जनता को सोच सूझबूझ सोच समझ बुद्धि से वोट देना है और समझ रखनी है कि हर इंसान एक जैसा ही होता है सिर्फ हमारे आगे आज कोई अगर विकास कर रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है यहाँ कैलाश जी काम करवा रहे हैं कैलाश जी ने अच्छी रेल का बहुत अच्छा काम कर दिया है सड़कें बहुत अच्छी बना दी सड़कें हमारी बन रही है लगातार काम चल रहा है मेरी गुणा मालानी से लेकर बाड़मेर तक की सड़क बहुत अच्छी मैं सरप्राइज हुई अभी इस बार आई तो गाड़ी लेके आई हूँ मैं मुंबई से चला रही हूँ तो खुशी हो रही है कि अरे मेरी सड़क बहुत अच्छी बन गई है तो मुझे लगता है कि इन बातों में ना आके जो जिस तरीके से जो आज के यूथ जो भी है वो रविंद्र सिंह भाटी है जो डायलॉग्स मार रहे हैं डायलॉग्स वहाँ मुझे पता सब तो बिल्कुल पूरी समझती हूँ से तो ये क्या ये ऐसे डायलॉग मार के क्या विकास करोगे ये कोई ये ये तो ये होता है कि मैं ऐसे डायलॉग मारो ये फिल्मी डायलॉग्स से ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं ये राजनीति में या फिर इस तरीके से आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो लोगों को रहे हो उकसा रहे हो उसमें हो उसमें इन्फ्लुएंस रहे हैं यूथ तो आपको पता ही है भटक जाता से भटकता है आयो हाँ, तूफान है इसका क्या मतलब होता है क्या रीजन होता है कोई तूफान नहीं आने वाला है तूफान का मतलब होता है आएगा तूफान क्या होता है तूफान आता तो घर नष्ट कर देता है उड़ा देता है सब कुछ कुछ नहीं रखता है तो ये क्या बातें कर रहे हो आप क्या तूफान लाओगे क्या शिव की जनता के लिए क्या करोगे आप

लोकसभा चुनाव में भी हजारों की भीड़ जो है उनके साथ पहुंच रही है दोनों ही पार्टियों की नींदें उड़ा रखी है छब्बीस साल के युवा ने कोई भीड़ नहीं है सर वो भीड़ बाहर से आ रही है और मुझे लगता है आजकल आई टी मैं तो फिल्मी दुनिया से हूँ मुझे सब पता है सब होता है और उनकी आईटी टीम बहुत बढ़िया है मुझे लगता है वही सब मिल कर रहे हैं और ऐसी हवा क्रिएट की गई है वो तूफान क्रिएट किया गया है जो कि फुस है कुछ नहीं आने वाला है यहाँ बाड़मेर की जनता समझदार है और मैं आज जनता को बताती हूँ कि बता सकती हूँ यहाँ से कि भाई आप ये तूफान आधी से हटिए सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत हुई है हमारी जमीनी हकीकत पे आइए कि हमें किस बात की समस्या है उसका निवारण सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है और मोदी जी को विजय बनाना है आप बीजेपी के काफी सपोर्ट में राजस्थान में सरकार बने तीन चार महीने हुए लगभग एक सौ बीस दिन हो चुके हैं क्या काम करवाया आपकी सरकार ने बीजेपी ने काम शुरू करवा दिए सड़कों के काम जो रुके हुए थे यहाँ पे सिलेंडर सस्ता कर दिया है और और भी बहुत सारे कामें हो रहे हैं एग्रीकल्चर एग्र, एग्री में जो खेती किसानों के लिए काम हो रहे हैं बहुत सारे कितनी सारी उनके लिए सुविधाएं आ रही है आज ड्रोन से मैं लगातार कैलाश जी का भी काम देख रही हूँ गांव गांव जाके ड्रोन से सारा वो कर रहे हैं कि भाई किस कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है तो एक बारीकी से काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है शुरू हो गया है वो तो जी पहले से ही केंद्र से ही वो काम करवाते थे चाहे ड्रोन की को तो ड्रोन तो केंद्र सरकार के बजट से ही खरीद लिया था सब कुछ काम हो रहे थे तो लेकिन केंदर मेरा सवाल है मेरा सवाल है राजस्थान की सरकार ने 120 दिन में क्या काम करवाए राजस्थान की सरकार काम कर रही है कंटिन्यू शुरू कर दिया ना एकदम से तो एक प्रोसेस होता है आप तो अभी तो शपथ ली है उसके बाद आपके बहुत सारे काम शुरू होते हैं क्योंकि होते हैं ना सारे आप पद पे सारी एक लॉबी बनती है टीम क्रिएट होती है ऐसा नहीं होता है एक प्लानिंग के साथ विजन बनता है मोदी जी विजन क्रिएट करते हैं कि अब राजस्थान को किस चीज की, की जरूरत है पानी की जरूरत है, है पानी के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है कांग्रेस जोरों से काम करेगा कांग्रेस सरकार में पेपर लीक का बहुत बड़ा घोटाला था हाँ तो राज्य सरकार ने इस बार उसको लेकर क्या किया उस पर कार्रवाई चल रही है कितने लोगों को जेल में डाल दिया है क्या बात कर रहे हैं आप कितने लोगों को पकड़ रहे हैं ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है कितने सारी न्यूज आई आपने देखी नहीं, नहीं। अच्छा काम करिए बीजेपी आते ही उन्होंने एक्शन लिया जिन्होंने ये जो पेपर लीक माफिया थे उन उनपे कार्रवाई हो रही है बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है उसमें मेरी मैं, मेरे कितने जानकार है कॉम्पिटिशन तैयारी हैं बेचारे और रात दिन पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक करवा के आप जो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको आगे बढ़ा रहे हैं ये तो वही है कांग्रेस का तो हमेशा से सत्तर साल से क्या विजन रहा है आपको पता पेपर लीक का मामला जो है आपके क्षेत्र से ही चर्चाओं में आया है भजन लाल एक तरफ वो भजन लाल जो पेपर लीक किए थे एक तरफ वो भजन लाल जो पेपर लीक करने वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा अगर जिन्होंने जो भी गलत किया भजन लाल नाम से कुछ नहीं होता जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा और उस कार्रवाई है क्यों होता है, सरकार के मुखिया है आज तो, तो मुखिया अच्छी बात है रहे हैं। नहीं नहीं वो अच्छी बात है उनका नाम है हम इज्जत करते हैं बट नीचे जो दूसरे भजन लाल अगर क्रिमिनल होंगे तो उनको थोड़ी छोड़ेंगे भजन लाल मतलब उनको तो क्रिमिनल की सजा मिलनी चाहिए ना मेरा नाम है बोले भजन लाल है मेरे को जेल में मत डालो क्योंकि सीएम का नाम ऐसा नहीं होता है यहाँ पे जो होता है वो कानूनी प्रक्रिया से काम होता है बात कांग्रेस की भी करेंगे कांग्रेस का कहना है की हमने खूब काम करवाए चाहे अन्नपूर्णा फ्री पैकेट की बात करें चाहे फ्री में बेटियों को मोबाइल देने की बात करें या फिर बुजुर्गों की पेंशन देने की बात करें उसके बलबूते हमारी सरकार आ रही है सर हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए क्यों फ्री में चाहिए आप इन लोगों को लोगों को कमजोर कर रहे हैं आप भी सक्षम है कमाने के लिए मैं भी हूँ मेरी बहन बेटियों हूँ किसी को फोन नहीं चाहिए हम खुद कमा के आज मैं बाड़मेर की लड़की इंडिपेंडेंटली आज बॉलीवुड में सात साल लगे संघर्ष किया मैं आज आपके सामने बैठी हूँ क्या नहीं कर सकते हो आप यहाँ से जाके आप और कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस का हमेशा से यही रहा है हमें वीक किया गया मानसिक रूप से वीक किया गया आज हमारा एक युवा बोलते नौकर बनना नौकर अरे नौकरी क्यों चाहिए आपको अपना स्टार्टअप खोलिए आज मोदी जी ने इतने सारे स्टार्टअप की प्रक्रिया निकाली हुई लोन मिल रहा है आपको क्या नहीं मिल रहा है सुविधाएं मिल रही आप पढ़िए ना आप इंटेलिजेंट बनिए आप समझदार बनिए ना वो तो आपको करना नहीं है आपको मतलब नौकरी नौकरी क्यों चाहिए युवाओं को ये इसलिए चाहिए क्योंकि नौकरी उन्हें फिक्स हो जाएगा जिंदगी भर हम मतलब सरकार का खाएंगे मेहनत नहीं करनी मेहनत से कतराइए मत आप मेहनत करिए अपना कुछ साम्राज्य खड़ा करिए कल को कोई ऐसा बिजनेस करिए कि आपकी वजह से दस लोगों के घर में रोजी रोटी आए आप पिछले कुछ दिनों से लगातार बारहवीं में, में प्रचार प्रसार कर रहे हैं आपको चार्ट वोट बैंक का पता होगा शायद क्योंकि दोनों ही जो मेन पार्टियों के जो है नेता है वो चार्ट है चार्ट वोट बैंक का किधर क्या फर्क पड़ने वाला है मैं जाट से जाट समाज से सबसे मैं खुद जाट हूँ तो मैं उनसे अपील करती हूँ कि जात पात से ऊपर उठ के सबका साथ सबका विकास पे ही वोट करना है मोदी जी आज नौ साल से चिल्ला चिल्ला के बोलते रह गए भारत के लिए सबका साथ सबका विकास ये जात पात अच्छी बात है मैं नहीं कह रही उस इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ बट हमें मोदी जी को जिताना है क्योंकि विकास सबका होना चाहिए ऐसा नहीं कल को दंगे हो बिश्नो जाट के बीच में दंगे हो रहे हैं राजपूत और इसके बीच में अगर ये ये जो जिस तरीके से डायलॉग्स बाजी करने वाले हैं ये सब यही करवाना चाहते हैं

हरीश चौधरी जी को मैंने ना कोविड में फंस गई थी मैं बॉम्बे से आ रही थी मैंने कहीं से फोन लिया और संपर्क किया था उन्होंने मेरा फोन उठा के बोला मैंने कहा ऐसी समस्या उन्होंने फोन काट दिया क्या करते हैं भाई कैसे नेता हो आप नेता बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई फंसा हुआ मैं बॉर्डर पे गुजरात और मुंबई के बॉर्डर महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फंसी हुई थी वहाँ पे मेरे से आने नहीं दे रहे थे कोविड में मेरी हालत बुरी मैं 2020 की बात करती हूँ आपको रोक दिया फिर हाँ रोक दिया ना मेरे को रोक देते हैं अभी देखो ये पुलिस तो अपनी प्रक्रिया निभाते हैं ना तो उस वक्त मेरे को समस्या आई तो मैंने कहीं से कांटेक्ट किया मैंने कहा भाई यहाँ पे मंत्री कौन है कहाँ है क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने हरीजी को फोन किया हरीजी ने बोला अच्छा ठीक है कुछ नहीं वैसे करके फोन काट दिया आप अपना देख लीजिए ये कोई सवाल होता है ये कोई जवाब होता है उनका तो कहना है कि हमने कोविड में खूब काम करवाया कुछ नहीं किया जीरो काम किया मैं बोलती हूँ मैं, मैं, मैं मेरे को जरूरत थी मैं बॉर्डर पे खड़ी रही पूरे दिन धूप में मेरे को कोई किसी ने नहीं किया फिर मैंने कैसे करके वहाँ से निकली महाराष्ट्र से ही सपोर्ट लेके वो मैं जानती हूँ आपने ये अपनी बात सुना दी सही बात है लेकिन हमारा सवाल हरीश चौधरी जो बायतू से विधायक है उनका कहना है की बीजेपी की ए और बी टीम है ए और में हाँ। और कैलाश जी हाँ नहीं ऐसा सर ऐसा है ही नहीं आप कैसे कह सकते हो अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं हरी उनका जी उनका कहना है की रविंद्र सिंह भाटी के जो ट्विटर अकाउंट पे था वो भी लिखा हुआ है नहीं वो हटा दिया गया वो वो एक्चुअली उसने फायदा उठाया इस चीज का मोदी जी के नाम से मुझे लगता है एक पोस्टर भी वायरल किया था बीच में कि मैं मोदी जी भाई ये लोगों को गुमराह करने के लिए ताकि लोगों से पर... देखो मोदी जी के साथ है जनता पूरी ना तो यहाँ पे ये होता है कि वो गुमराह कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ए और बी वाली टीम वाली कोई बात नहीं है वो अलग ही है वो अपना अपना देख रहे हैं बीजेपी अपना कर रही है बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है कितनी सीटें आने वाली है बीजेपी की देश में मेरा पूरा जो मेरा मेरे को कॉन्फिडेंस है पूरा

हाँ ये चिंताजनक है मैं सब लोगों से कहूँगी मेरे को खुद को मैंने कल रात को ही न्यूज़ देखी कि वोटिंग बहुत कम हुई है मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगी आप अपना अपनी जिम्मेदारी समझिए आप वोट करिए अपना कीमती समय निकालिए अगर आपको अच्छी सरकार चुननी है आपका विकास आपकी सड़कें अच्छे से हो आपकी लाइट टाइम पे आए आपको जो गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं आपको टाइम पे चाहिए चीज़ें चाहिए तो सरकार को चुनिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए आप इसको हल्के में मत लीजिए ये चुनाव आपके आने वाले फ्यूचर को तय करेगा आने वाले चालीस मैं टू थाउजेंड तक की बात कर रही हूँ आगे ये इस ये इस वाला चुनाव तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और घर से सबसे मेरी विनती है मैं बॉम्बे से आई हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी कर रही हूँ मोदी जी के लिए प्रचार कर रही हूँ वोट भी देने आई हूँ और वोट दे के जाऊँगी तो आप सब घरों से बाहर निकलिए और जहाँ आइए और एक बार अपनी जिम्मेदारी नहीं भाई पाँच साल में एक बार आता है ये दिन और ये आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए और ये वोट कम है तो ये चिंताजनक सबके लिए सारी पार्टी रविंद्र सिंह बाटी की कल रात को ही बाड़मेर शहर में एक मीटिंग थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोटरों को स्पष्ट तौर पर कहा है की लाठा रया आने वाली छब्बीस तारीख को दबा के वोटिंग करनी है और मेरे पक्ष में करनी है कुछ नहीं होता ये सिर्फ़ डायलॉग्स हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ जमीनी हकीकत अलग है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं अगर मैं जो भी उस घूम रहे उनसे भी कहूँगी कि पहले शिव के शिव के लिए कुछ करिए आप अगर शिव के लिए आपने हमारे हिंदुओं को सब, सनातन का सबसे पवित्र ग्रंथ है उसके ऊपर आपने कसम कही है हाथ के तो कसम का वादा निभाइए वहाँ की जनता आज परेशान है आपको गालियाँ दे रही है आप शिव की जनता के पास जाइए और उनसे उनसे ताल्लुक करिए कि मैं यहीं हूँ आपने आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मैं मैं मेरा ओपिनियन ये मैं पहले आपके साथ थी लेकिन आपके अगेंस्ट मैं गेंट इसीलिए हूँ क्योंकि मैं यूथ होने के बाद भी हूँ मैं क्योंकि ये विचारधारा अगर मैं होती यहाँ पे तो शायद मैं ऐसा नहीं करती नहीं करना चाहिए आपने एक ग्रंथ पे हाथ रख कसम खाई और उसके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हो सबके साथ भावनाओं के साथ, साथ खिलवाड़ हो रहा नहीं गलत बात है नहीं रविंद्र सिंह भाटी अभी एक विदेश यात्रा पे गए थे चुनाव से पहले उनका एक फोटो वायरल हो रहा है टुकड़ा टुकड़े गैंग के साथ में उस पर आपका क्या बयान रहेगा हाँ मैं मैंने वो फोटो देखा नहीं सुना है ऐसा ट्विटर पे आया था ट्वीट पे देखा था मैंने अभी देखो अगर ऐसा कुछ भी है तो गलत बात है बहुत ये तो हो सकता है मतलब वो सच भी हो सकता है अगर वो गए थे वो लंडन वो आया तो बीच है, में तो हाँ तो फोटो आया है तो, तो सच ही है तो मुझे लगता है बाहर से आ, लोग देखो आज मोदी जी को हराने के लिए किसी भी रूप में बंदा आ सकता है कोई भी बेहूपिया बन सकता है और क्योंकि सबको पता है भारत बहुत तेज गति से आगे जा रहा है और किसी भी जो भी जितने भी आका आतंकवादी है उनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उनका कहना, कहना है की कुछ राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत हुई थी हाँ तो वही है तो मिलने होंगे अभी इनका क्या अभी जो शिव की जनता का नहीं हुआ आप क्या सोच रहे हो कि वो मतलब हमारे देश का होगा जब जनता को छोड़ के वो कहीं पे जाके किसी के साथ ही कुछ भी कर रहा है और डायलॉग बोल रहा है तो मैं नहीं मानती कि वो कोई उसकी जनता के यहाँ बाड़मेर मेरे और जैसलमेर की जनता के साथ जो अब सांसद के रूप में वो जो प्रत्याशी बना है कि इनके लिए कुछ करेगा जीरो कुछ कुछ नहीं करेगा कल शाम को ही एक न्यूज मीडिया की कोई डिबेट थी उसमें रविंद्र सिंह भाटी गए थे सभी नेताओं को बुलाया था उन्होंने बोला था कि अगर आपकी ताकत है तो आप डिबेट में आइएगा सामने आएगा आपकी हिम्मत है तो यहाँ पर आके सवाल जवाब करिएगा आपके नेता गए नहीं चाहे कांग्रेस की बात करो चाहे बीजेपी की बात करो इस न्यूज डिबेट के बारे में मुझे पता नहीं अभी सब अपने अपने, अपने इलेक्शन में बहुत बिजी हैं सब आपको पता है ये समय ऐसा चल रहा है अभी रविंद्र के पास ये टाइम हो सकता है क्योंकि उसका वो अलग ही चल रहा है अरे वो चुनाव है। लड़ रहा है भाई वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्यादा चुनाव लड़ रहा है पहली बात तो मैं सिर्फ डायलॉग्स पे चुनाव लड़ रहा है जमीनी हकीकत अलग है यहाँ की जनता सिर्फ बीजेपी के साथ है मैं लोगों से मिल के आई हूँ सिर्फ मोदी जी पे विश्वास है ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आए और अभी लोगों को समझ में आ गया ना नहीं तो होता है कि यूथ के साथ जनता का भी सिप्पत्ति आ जा रही है यार एक गरीब घर से कोई मास्टर का बेटा बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है या कुछ करेगा हमारे लिए लेकिन ये शिव की जनता के साथ धोखा किया ना उसके बाद जनता पलट गई है जनता का विश्वास उठ गया है हमारे मारवाड़ की ही ममता हाँ। जब नरेंद्र मोदी जी बारवी में आए थे तो उन्होंने मन संचालक किया था दाल बाटी चूरमा नरेंद्र मोदी का ऐसा एक डायलॉग उन्होंने बोला था दाल बाटी चूरमा नरेंद्र मोदी सूरमा वो डायलॉग बोला था तो नरेंद्र मोदी ने उनकी खूब तारीफ की थी ममता जी की उस पर आप क्या कहना चाहेंगे हाँ मैंने वो डायलॉग सुना अच्छी बात है उसने अच्छा बोला और मोदी जी हमेशा महिलाओं को आगे रखते हैं महिलाओं को बढ़ाते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण भी अभी उन्होंने निकाला है राजनीति में भी तो हमारे लिए आसान हो गया कल हम भी चाहते हैं कि भाई अगर देश के लिए मौका मिले अगर सेवा करने का लोगों का तो डेफिनेटली करेंगे तो मोदी जी का तो विजन रहा है कि महिलाओं को हमेशा नारी शक्ति को ऊपर रखा है और रखना ही चाहिए नारी शक्ति है तो मतलब सशक्ति हमारा भारत शक्तिशाली होता है इससे वोट बैंक को लेकर कितना फायदा होने वाला है क्योंकि जसवंत सिंह के जाने के बाद में मानविंद्र सिंह ने जो है वो बीजेपी छोड़ दी थी और मोदी जी जब बाड़मेर में आए थे तब उन्होंने वापस ज्वाइनिंग की थी इसको लेकर बाड़मेर वोट बैंक को लेकर बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है होगा क्योंकि मानविंदर सिंह अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी और सारा वोट बैंक सारा साथ में बड़े नेता समझते हैं ना सारी चीजें कि कहाँ किस तरफ रुख किस तरफ है और कौन जीतने वाला सबको समझ में आता है और जनता भी समझती है सारी चीजें जानती है ये हवा हवाई है सब चल रहा है मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दो तीन लाख वोटों से जीत रही है और बहुत अच्छे से जीत रही है लोगों का कहना है पब्लिक का कहना है कि कैलाश चौधरी बाड़मेर से तीन नंबर पे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं नंबर वन पे कैसे नंबर वन पे आप प्रचार कर रहे हो आप बताओ आपका गणित क्या है मैं प्रचार कर रही हूँ मैं डोर टे डोर गई हूँ लोगों के मैंने बात सुनी है मैं बोल रही हूँ भीड़ में लोग जा रहे हैं वो भी बोल रहे हैं भीड़ में तो ऐसे ही वोट तो मोदी जी को देंगे hmm. अरे मैं मैं आपको हाल ही में ये किसी ने ना स्टेटस लगा रखा था किसका रविंद्र का तो मैंने पूछा भाई आपने स्टेटस लगा रखा किसको वोट देंगे तो नहीं स्टेटस ऐसे ही लगाया ऐसी लगा वो अच्छी थोड़ा भीड़ भीड़ लग रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन वोट हम मोदी जी को ही देंगे वोटर साइलेंट है साइलेंट और गेम पलट जाएगी पूरी कल रविंद्र सिंह के गाँव में उनके ही गढ़ में कैलाश चौधरी जी का जोरदार स्वागत हुआ था तो वह क्योंकि जनता वहां की समझ चुकी है जनता जानती है ये की बंदा है जो यहाँ पे कुछ करेगा कैलाश जी ही है जो और मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा यह जनता जानती है इस बात को और मुझे खुशी की बात है कि शिव की जनता अभी मैसेज दे रही है सबको पूरे राजस्थान को जो बाड़मेर के जैसलमेर के लोगों को भाई जब यहां का हमारा नहीं होता आप लोगों को सबका क्या होगा तो ये सीधी स्पष्ट रूप से कल की शिव की जनता ने आशीर्वाद दिया है उससे साफ नजर आता है कि कौन जीत रहा है किस तरफ जा रहा है जनता का कहना है कि आप संभल जाइए अगर कैलाश चौधरी जी बारहवीं से अगर जीतते हैं तो बारहवीं के लिए क्या काम है जो वो होंगे प्रमुखता से बाढ़ के लिए स्पेशली पानी की कमी है बाकी लाइट वाइट टाइम पे आ रही है बीच में कांग्रेस की सरकार थी तो लाइट थोड़ी कम हो गई और मुझे लगता है कि जो बाकी पेंशन भी है वो टाइम टू टाइम आती है अपने 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 अकाउंट है पैसे कहीं रुकते नहीं पहले तो इतने पैसे कहीं आते ही नहीं थे अगर पीछे से हज़ार रुपये भेजते थे तो यहाँ पाँच सौ रुपये थे पाँच सौ बीच में ही गायब हो जाते थे तो आज ऐसा नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में काम बहुत अच्छा हो रहा है और आगे अभी पानी का मेन है पानी की होगी बाकी सड़कें जहाँ गाँव तक कुछ 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 जगह नहीं है सड़कें तो वो भी पहुँचा जाएगी देश का पहला बाजरा अनुसंधान के क्षेत्र में कितना फायदा होने वाला है उससे बहुत फायदा होने वाला आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है मिलेट्स को लेकर आज बहुत प्रमोट किया गया है उसमें कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान है कैलाश जी ने यहाँ से बाजरे को बहुत अमेरिका तक पहुँचा दिया है और बाजरे की वैल्यू बढ़ने वाली है अभी और बाजरा हो गया हमारे यहाँ पे मूंग होते हैं मोट होते हैं सारी दालें होती है और सबसे हाई फाइबर होता है उसमें प्रोटीन होता है और मोदी जी उस पर खास करके ध्यान दे रहे हैं आने मैं मैं दुबई गई मैं हाल ही में तो चने और दाल की वहाँ पे एक हम मस करके उन्होंने अपनी डिश बनाई है वो सबसे वेजिटे वेज में मेरे मेरे को खाना मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर तो मुझे वो वहाँ पर लगा कि अरे मेरा तो अनाज यहाँ पहुँचा हुआ तो खुशी होती है कि बाहर इंडिया से बाहर जाते हो और आपके ही मिलट्स आपको खाने के लिए मिलता है अरे चेहरे के अलग आपकी रौनक बढ़ जाती है मुझे वो खुशी महसूस हुई कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में ऐसा काम हो रहा है ताकि भारत में फूटने चाहिए और फूटेंगे और बहुत शोरों शोरों से फूटेंगे और इस बार लोकतंत्र में जो अभी जो लो लो सभा के जो इलेक्शन है इसमें बड़ा एक सेलिब्रेशन होगा बहुत उत्साह होगा उस दिन आप चार जून का वेट करिए और बहुत ज़बरदस्त भारत में एक खुशहाल मतलब जैसे भव्य राम मंदिर बना था तो एक फील आया था आपको पता है कैसा लोगों ने महसूस किया था कि अपने राम घर आए राम हमारे आदर्श हैं मतलब होता ना एक अलग ही वो फीलिंग आई थी तो वही हम फिर से फील करने वाले हैं और मोदी जी डेफिनेट चार सौ पार का जो नारा है उसको छू लेंगे और बड़ी खुशी होगी हम लोगों को और विकास बहुत तेज गति से आने वाले पांच साल हमारे लिए बहुत आगे वाला बहुत चालीस साल तय करेंगे तो बहुत विकास होने वाला है और मोदी जी के विजन में काम होने वाला है और मोदी जी ने बहुत स्ट्रेटेजी प्लान किया हुआ है मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि कैलाश चौधरी अपनी हर सभा में ये सवाल करते हैं कि अगर भारत में फटाके फोड़ने हैं तो वोट बीजेपी को दीजिएगा अगर किसी और को जिताना है उसको वोट देने हैं तो फटा के पाकिस्तान में वो क्या इशारा है किसकी ओर इशारा है नहीं मुझे ऐसा मैंने ऐसा उनका डायलॉग सुना नहीं है बट ऐसा नहीं, नहीं होता कहा हो। है हाँ ये, ये है ये होता है अगर मोदी जी थोड़े वीक होते हैं तो बाहर के लोग खुश होते हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो सब आज कौन बाहर के स्पेशली अपने पड़ोसी हमें पता ही है कितने सालों से हम परेशान है पाकिस्तान जो है वहाँ इतने आका पल रहे हैं और पाकिस्तान का काम ये है कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देता है वो पहले सालों से हम सबको पता पूरे वर्ल्ड को पता दुनिया को पता है तो पटाखे तो पूटेंगे ना भारत कमज़ोर होता है तो किसको नहीं आ, आ, अच्छा लगता है तो आज चाइना हो कोई भी हो अमेरिका को भी खुशी नहीं हो रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है मैं सच बता रही हूँ आपको कोई नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े क्योंकि भारत में ना एक शक्ति है ऐसी एक होता ना एक आध्यात्मिक और ऐसा एक भारत एक, मतलब अलग इसमें होता ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा होती है ना वहाँ पे लोगों को जो जो, जो अलग ही लोग होते हैं ना उनको एतराज होने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो भारत हमारा आगे बढ़ेगा और जाएगा हाँ राम मंदिर का मुद्दा इन चुनाव में लोकसभा चुनाव में काफी चर्चाओं में राम मंदिर का धारा तीन एक जो है दो तीन जो ये काफी चर्चाओं में सर ये काम के लिए ये ये मुद्दे जो थे ना ये जो काम मोदी जी ने किए ना ये भारत के लिए बहुत जरूरी थे ये आज देखो कश्मीर में शांति है राम मंदिर आज 500 सालों से हमारे पूर्वज चले गए आप उनसे अभी उनकी आत्मा खुशी हो रही होगी मेरे नाना जी गए वो पहले मैं, मैं उनसे अगर मेरे घर में ही एग्जाम्पल है वो भी चाहते थे हर कोई राम आप राम कार सेवकों ने कितने लोगों ने मर गए थे वहाँ आस्था है एक आस्था होती है ना यार किसके लिए कहना है राम को तो हम भी मानते हैं बीजेपी जो है वो राम मुद्दे पे वोट मांग रही है मुद्दा बना रही है तो मुद्दा आप माने आप मंदिर बनाते ना आप राम को मानते हो राम को घर में क्यों नहीं बैठाया आपने क्यों नहीं राम मंदिर बनाया आपने हमारी हमारी इतने इतने सौ करोड़ हिंदुओं की आस्था थी उस पर आपने क्यों ऐसे चोट मारी कि आपने राम मंदिर ही नहीं बनने दिया सालों से अरे कांग्रेस हमारे साथ कभी नहीं थी कांग्रेस थी बस वो क्योंकि अभी हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास कोई लीडर नहीं था भगवान ने इतनी हमारे पूर्वजों की जो आज जितने बलिदान दिए हुए थे उनकी सुन ली और मोदी जी जैसे नेता आज आए और भारत आज बहुत तरह हाँ बचीड़ मारो बचीड़ मारो ये मतलब वह कि थी लड़ाइयाँ करो एक दूसरे ने भिड़ाना बचीड़ मारना मन लागे ऐ मतलब वही है कि बचीड़ मारो बचीड़ बजाओ थे बचीड़ बजाओ मतलब दे गुंडागर्दी करो किसी का इसका कोई किसी का कोई अपनी रोजी रोटी खा रहा है उसका हटाओ उसका दूसरे का लगाओ अपने बंदे का लगाओ एड़ा ही काम होने वाला है तो बचीट का मतलब बाकी आंधी आवने वाली है आंधी आवन वाली तो मैं पहले ही बता दियो कि भाई आंधी आई तो तू हेंगोरे पापो मतलब सब साफ हो जी वहाँ सूपड़ा और ये की कि नुकसान ही होना है किसानों ने पूछ लो थे यार घर में भी आंधी दिया तो कचरो ही भरी है आंधी दी क्यों फायदे हो तो और मतलब है तो मारवाड़ी रही हूँ याटे रही हूँ तो हैंग मंद है, रूम बारे हूँ एक डेढ़ साल में आना हुआ है क्योंकि हमारा काम घड़ी बड़ी हैक्टिकाल है हमें आगे और भी फिल्म प्लान हो रही है फिल्म कर रही हूँ तो बहुत सारे कामों में इस बार मैंने पंद्रह दिन का टाइम निकाला क्योंकि मैं चाहती थी कि मोदी जी को मैं ये हिस्सा बनूँ इस बार क्योंकि आखिरी टर्म है मोदी जी अभी लास्ट उनका इलेक्शन होगा प्रधान एज ए प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक हैं वो और हम भारत के और मैं बाड़मेर के यहाँ के होने के नाते मेरा दायित्व तो था कि अपने लिए आके मैं मोदी जी के लिए प्रचार करूँ लोकसभा चुनाव के जरिए राम आएंगे अंगना सजाऊंगी आप फिल्म एक्टर है तो दो पंक्तियाँ सुना दी नहीं मैं गाने तो नहीं गाती राम आएंगे वो तो राम आ गए हैं अभी राम आएंगे नहीं राम आ चुके हैं तो अब हम लोग राम से बहुत प्यार करते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं वहाँ जाते हैं और सब लोग दुनिया जा रही है वहाँ और आज बहुत खुशी की बात बहुत गर्व की बात है तो ये थी हमारे साथ बाड़मेर की बेटी जिसने बीजेपी को लेकर बीजेपी के प्रचार प्रसार को लेकर अपना पूरा गणित जो है वो बताया है इन, इनका कहना है कि इस बार मोदी सरकार की जो सरकार है उनके 370 प्लस सीटें आने वाली है हालांकि नरेंद्र मोदी का जो सपना है 400 प्लस है लेकिन इनका मानना है जो ये धरातल पर जा रही हैं लोगों से बात कर रही है इनका कहना है कि 370 प्लस सीटें जो हैं वो देश में इस बार आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जो है देश के लिए प्रधान सेवक बनेंगे